जय श्री राम भाइयों, YouTube चैनल मंजी टेक्निकल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मोटर की प्लेट में के हाउसिंग में अगर बैरिंग लूज हो जाए तो उसको कैसे ठीक करें बिना सेंटर पंच लगाए या बिना खराद मशीन के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मोटर का मैं अभी दिखाऊँगा आपको, ये देख सकते हो आप, इसका जो है बैरिंग बहुत ज़्यादा लूज है और रोटर में भी इसके रगड़ा लगा हुआ है, स्लॉट से टकरा के चला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अगर वीडियो को स्किप करोगे तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। और फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो आपको YouTube पर नहीं मिलेगी, आप किसी की भी वीडियो देख लेना, ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। जो भी बताएगा आपको सेंटर पंच से करना बताएगा या वेल्डिंग के टुच लगाना बता देगा, लेकिन ये तरीका नहीं बताएगा ज़्यादा कोई एम सील वगैरह कुछ लगा करके, एरेलाइट वगैरह लगा करके बैरिंग लगाना बता देगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, किसी भी जैसे फ़ैन की या मोटर की बैरिंग लूज हो जाते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिएगा, ये बैरिंग लूज होने की वजह से रोटर वाइंडिंग स्लॉट से टकरा कर चला है, उससे ये निशान आ रखा है रोटर के ऊपर, और ये पीछे वाले बैरिंग का है, और ये देखिएगा ये बीच में भी टकराया है, ये निशान देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, इसको हम कैसे ठीक करेंगे वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ना तो हम सेंटर पंच का यूज करेंगे, ना ही हम उसमें वेल्डिंग के टुच लगवाएंगे और ना ही एरेलाइट वगैरह लगाएंगे। तो ये देखिएगा, बैरिंग काला पड़ चुका है, तो इसका मतलब है कि ये प्लेट में लूज है। ये देखिएगा, ये हाथ से ही निकल जा रहा है, जबकि इसको हथौड़ी से ठोकने की ज़रूरत होती है, बिल्कुल आसानी से निकल जा रहा है, ये देख सकते हैं आप कितनी आसानी से निकल रहा है। तो अब हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस बैरिंग को एमरी पेपर से, 120 नंबर का जो एमरी पेपर आता है बारीक वाला, उससे इसको बिल्कुल साफ़ करना है। एमरी पेपर आप वाटरप्रूफ लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया काम करता है, वो पीला वाला अगर लोगे तो वो इतना अच्छा काम नहीं करता है, जल्दी ख़राब हो जाता है। तो पहले हम बैरिंग को बहुत अच्छे से साफ़ करेंगे, जितना भी इसके ऊपर कार्बन है उसको हमें साफ़ कर देना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो ऐसा है कि आपको जैसे सीलिंग फैन है, उसके एंजन बॉडी है, उसमें आप सेंटर पंच भी नहीं लगा सकते और बैरिंग लूज हो जाए तो उसमें आप क्या करेंगे, उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है। 10 HP तक की मोटर में ये फार्मूला बढ़िया काम करता है और फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सेंटर पंच से अगर कट लगाते हैं तो वो कुछ दिन के बाद में लूज हो जाते हैं, लेकिन ये लूज नहीं होगा, जब आप इस मोटर को दोबारा खोलोगे तभी जा करके ये लूज होगा, उससे पहले लूज नहीं होगा। जब तक आप मोटर को दोबारा नहीं खोलोगे तब तक ये बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग रहेगी, बैरिंग लूज नहीं होगा बिल्कुल भी। तो ये देखिएगा, ये मैंने बैरिंग को बिल्कुल कार्बन साफ़ कर दिया है, और इसमें मैं फ्रेंड्स एल्युमिनियम पेस्ट का यूज करता हूँ, ये बहुत अच्छा काम करता है कार्बन को साफ़ करने के लिए, और सोल्डिंग भी अच्छी होती है इससे, और ये यूज भी कम होता है, कम लगता है। तो देखिएगा, इस पर हमें कुछ नहीं करना है, सोल्डिंग आयरन लेना है बड़ा वाला, लगभग 250 वाट में या 200 वाट में। तो उसके बाद में बैरिंग के ऊपर सोल्डिंग करनी है, और वो मैं आपको बताऊंगा कितनी करनी है। तो इसमें हमें देखना क्या होता है कि अगर ज़्यादा लूज है तो सोल्डिंग थोड़ा मोटी करनी होती है, कलई जैसे बर्तन बनाने वाले बर्तन के ऊपर कलई करते हैं, उस तरह से हम बैरिंग के ऊपर सोल्डर की कलई कर देते हैं पतली। और अगर हमारा बैरिंग थोड़ा ज़्यादा लूज है तो उसमें हम हल्की सी मोटी कलई करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले बैरिंग को गर्म कर लेना है, अगर आयरन से गर्म नहीं हो रहा है, अभी देखो सर्दी का मौसम है तो आयरन इसको गर्म नहीं कर पा रहा है, तो मैं इसको बत्ती से हल्का सा गर्म कर लूँगा, और गर्म करने के बाद में जब इसकी बैरिंग की कोन ऊपर वाली और साफ्ट गर्म हो जाएगी रोटर की, तो ये काफ़ी देर तक गर्म रहेगा,
और आयरन से बहुत अच्छी कलई हो जाएगी। तो ये देखिएगा, पतली पतली बिल्कुल लेयर चढ़ानी है, बहुत पतली लेयर आएगी। तो ये लेयर हमें 1 इंच से कम रखनी है और 1/2 इंच से थोड़ी ज़्यादा रखनी है। और ये हमें 4 जगह लेयर चढ़ानी है बैरिंग पर, बराबर गैप दे करके। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कितनी कितनी दूरी पर लगानी है, 4 जगह भी लगा सकते हैं और 3 जगह भी लगा सकते हैं। अगर बैरिंग सीट में ज़्यादा लूज है तो पूरे बैरिंग पर कलई कर देना और थोड़ी सी मोटाई बढ़ा लेना। अब ये देखिएगा, ये बैरिंग पूरा गर्म कर लिया है मैंने, अब ये कलई इसमें अच्छे से होनी शुरू हो गई है और ये कलई मैंने 4 जगह इसमें कर दी है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितनी कितनी कलई करनी है और कैसे करनी है। तो ये देखिएगा, ये मैंने 4 जगह कलई कर दी है। अभी मैं इसको कपड़े से अच्छे से साफ कर लूँगा पेस्ट को। तो ये देख सकते हैं आप, ये मैंने 1-1 इंच के कलई की है 4 जगह। तो देख सकते हैं आप, मैंने 4 जगह कलई कर दी है और अब मैं इसको मोटर को फिटिंग करूँगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि प्लेट को पहले फिटिंग करके नहीं देखना है। कभी आप लोग प्लेट को ठोक करके देखने लग जाओ कि टाइट हुआ या नहीं, तो उससे क्या होगा, ये जो हमने कलई की है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। जब आप मोटर फिट करोगे तभी इसको प्लेट को ठोकना है। तो चलिए हम इसको मोटर को फिटिंग करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, अब मैं इस प्लेट को हथौड़ी से ठोकूंगा तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी अच्छी काम करती है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।